हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बाइक डॉक्टर में। दोस्तों, आज वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे पास ये बाइक का बैटरी चार्जर है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इसको लगाना बताऊंगा, इसको किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों, इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको मैं दोनों तरीके बताऊँगा इसको किस तरह से लगाया जाता है। दोनों तरीके से तो आप देख रहे हैं कि इसका क्लिप है जो कि बैटरी में लगते हैं, और इसका पिन है, और ये एकदम बढ़िया ओरिजिनल चार्जर दोस्तों। ये 250 रुपये के आसपास मिला था मेरे को बाजार में। 1.4 एम्पियर वाला चार्जर है और अच्छी कंडीशन वाला है, अच्छी क्वालिटी वाला है, नोकल नहीं है। तो आप चाहो से बाजार में ले सकते हो इस चार्जर को। और ये KDM कंपनी का है, आप देख रहे होंगे। तो मैं इसको कनेक्ट करना बताऊंगा, इसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, इसको परमानेंट कैसे कनेक्ट किया जाता है और टेम्परेली कैसे कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको टेम्परेली कनेक्ट करने के लिए इस तरह के क्लिप आते हैं कुछ, आप देख रहे होंगे, जिन्होंने डायरेक्ट बैटरी के अंदर लगाना होता है। इनके ऊपर माइनस, इनके ऊपर प्लस लिखा होता है। प्लस को प्लस वाले में और माइनस को माइनस वाले में लगाया जाता है। जो टेम्परेरी होता है, हम किसी भी बैटरी में लगा सकते हैं, हमारे बैटरी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये बैटरी है, और मैं इसके जो प्लस को वाले को प्लस वाले में लगाऊंगा कुछ इस तरह से, और माइनस वाले को माइनस वाले में लगाऊंगा दोस्तों। तो कुछ तरह से लग जाता है, ये जिस तरह से लग जाता है, ये टेम्परेरी जुगाड़ है हमारा, ये एकदम सक्सेस नहीं होता है। हम इसको ऐसे लगाए रखेंगे तो बाइक जब हमारी चलेगी करेगी गड्ढे में पड़ेगी तो ये हमारा हिल जाता है और बहुत काम नहीं करता दोस्तों। इसको लगाने का एक और तरीका दोस्तों, और आपको बताना है वो कौन सा तरीका दे सकते हो दोस्तों। मैं इसके वाइजर के अंदर दूंगा इसको, इसलिए इसका मैं वाइजर ओपन करूँगा। वाइजर ओपन करने के लिए साइड में 2 बोल्ट होता है और एक नीचे जो बोल्ट होता है 10 नंबर का, इसको ओपन करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं मैंने इसका वाइजर ओपन कर लिया है, और इसके बाद जो हमारे बाइक में जो ग्रीन वाला तार होता है, ये बॉडी अर्थ का होता है, तो इसके अंदर हम जो चार्जर का ब्लैक वाला तार होगा उसको देंगे दोस्तों। और जो हीरो की बाइक में जो ब्लैक तार होता है पूरा ब्लैक, उसके अंदर चाबी ऑन करने पर दोस्तों 12 वोल्ट आता है, तो उसके अंदर हम रेड वाला तार देंगे चार्जर का। तो पिन देख रहे हैं इसमें ब्लैक वाला तार है, फुल ब्लैक है, उसके अंदर जो रेड वाला तार होता है चार्जर का वो देना दोस्तों। और इसके बाद जो हमारे ये गुच्छा होता है, आप देख लेंगे वायरों का, ये गुच्छा होता है कुछ जिस तरह का, उसके अंदर हमारा जो एक लॉक का वायर होता है, आप देख रहे होंगे लॉक का वायर है जिसके अंदर 2 तार लगे होते हैं कुछ इस तरह से लाल वाला। तो उसके अंदर हम जो हमारे एक्स्ट्रा तार लेंगे और उसको हम जोड़ेंगे, तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक तार होता है दोस्तों, देखेंगे 2 तार इसके अंदर लॉक के वायर के अंदर, एक के ऊपर ब्लैक पट्टी है और एक सीधा सादा है। अगर हम जो हमारा एक तार इस ब्लैक पट्टी है इसके अंदर लगाएंगे, जो कि हमारा प्लस वाला तार होगा, करंट वाला तार होगा, और एक तार को हम बॉडी अर्थ या कहीं से भी दे सकते हैं, जो कि हमारे ग्रीन तार के साथ कर रखा मैंने, वो बॉडी अर्थ होता है, उसको हम कहीं भी दे सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख रहे हैं मैंने बॉडी अर्थ कर रखा है हरे तार के साथ, और इसको हम अगर इस लाल वाले के साथ करते हैं तो ये चाबी के साथ बंद नहीं होगा, हमेशा चालू रहेगा। लेकिन ये ब्लैक पट्टी इसके साथ करते हैं तो हम जब चाबी को बंद करेंगे तब ये बंद हो जाएगा, और चाबी ऑन करेंगे तब ऑन होगा। तो दोस्तों, इस तरह से करके ये वायर आपको होते ऐसे निकाल लेना, मैं देख रहा हूँ कि कुछ इस तरह से होते हुए वहाँ आगे निकाल लिया इसको, फिर आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से टेप कर देना है और इसका जो वाइजर वापस लगा देना दोस्तों। तो ये तार मैंने निकाल लिया है, तो इसको हम लगावा यहाँ पर, इसके अंदर मैं इसको डाल लेता हूँ, तो ये कुछ सामान वामान रखने का काम आता मेरे, इसलिए मैंने लगा रखा है। तो इसके अंदर से मैं इसको निकाल लेता हूँ जिस तरह से, आप देख रहे हैं इसके अंदर आ चुका है ये, और इसके 2 तार है, एक प्लस का एक माइनस का, ये 2 तार है। और जो हमारे चार्जर में 2 तार, एक प्लस का एक माइनस का है, हमारे ये चार्जर इसके अंदर 2 तार है प्लस और माइनस के, ये लाल वाला प्लस का है ये, और ये सफ़ेद वाला माइनस का है। तो हम इनका कनेक्शन कर देंगे प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ, हम चाहे जैसे कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कट कर सकते हैं, और चाहे यहाँ नज़दीक से इनको कट करके कनेक्शन कर देंगे हम। तो मैंने चार्जर को यहाँ से कट कर दिया है, और इसके जो वायर है इनको छील देंगे हम कुछ इस तरह से, तो इसके भी वायर मैंने छील लिए। तो मैं इनका कनेक्शन करते हैं प्लस वाला प्लस वाले के साथ और माइनस का माइनस के साथ। तो इस तरह से मैंने तार को जोड़ लिया दोनों को, और अब इनके ऊपर हम टेप कर देंगे अच्छे से, ताकि कहीं अर्थिंग वर्थिंग का डर ना रहे। तो दोस्तों, मैं इसको अच्छे से टेप कर लिया है, आप देख रहे हैं जैसे मैं चाबी चालू करूँगा,
इसके अंदर लाइट जुड़ जाएगी। आप देख रहे हो इसके लाइटें अंदर जुड़ चुकी हैं। जैसे हम चाबी बंद करूँगा इसकी लाइटें बंद हो जाएगी। और यहाँ पर भी इसका ऑन ऑफ करने का बटन है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। वैसे इसका कनेक्शन चाबी से भी हो गया है, जब हम चाबी ऑन करेंगे तो चल जाएगा, चाबी बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने बाइक में चार्जर लगा सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें शेयर करें, और भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।